नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 10वीं विषय संस्कृत और आपकी संस्कृत अध्यापिका वर्षा ओझा आपके समक्ष उपस्थित है। हम हमारा पेपर लेकर आपके सामने आए थे कार्ड का, है ना। कार्ड के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने द्वितीय विभक्ति तक हमने समझ लिया था। अब हम विद्यार्थी बच्चों, अब हम पार्ट 4 में द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीय विभक्ति, है ना। तृतीय विभक्ति के बारे में हम यहाँ समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, साधकतम करणम, है ना। सबसे पहले लाइन क्या है हमारे पास, ये एक सूत्र है, तृतीय विभक्ति का एक सूत्र है, साधकतम करणम। कर्तु कर्णयो स्थित्या, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है और उसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, है ना बच्चों। अब ये बात समझे, हिंदी में भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो तृतीय विभक्ति हम कहते हैं ना, सीता पत्र लिखती है, है ना। अब मैंने बोल दिया सीता कलम से पत्र को लिखती है, तो सीता कलम से पत्र को लिखती है, तो कलम क्या होगा, पत्र को लिखने में सबसे सहायक क्या है, कर्ता तो सीता हो गई, है ना। हिंदी में अगर हम एक्सप्लेन करें तो, है ना, तो कलम क्या होगा, उसका साधकतम करणम, सबसे सर्वाधिक चाहने वाला, है ना, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। पत्र लिखी कैसे सीता, जब उसके पास कलम होगी, है ना, तो कलम से लिखती है, कलम से। जैसे मैं कल बस से जयपुर जाऊंगी, तो मैं किससे जाऊंगी बेटा, मैं बस से जाऊंगी। यदि मेरे और जयपुर के बीच में बस मुझे नहीं मिल पाती है तो मैं जयपुर नहीं जा पाऊंगी। तो साधकतम करणम का अर्थ हो गया क्रिया की स्थिति में जो सर्वाधिक सहायक हो, ठीक है। ये हमने समझा साधकतम करणम का अर्थ। अब तृतीय विभक्ति जैसे यथा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जागृति कलमेन लिखती, है ना, तो जागृति कलम से लिखती है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया, जागृति कलमेन जो सहायक होगा, सर्वाधिक क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायकतम करणम होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का योग होगा। तो यहाँ कलम से लिखती है, तो कलम से कर्ता ने कर्म को करण से, आई बात समझ में। अब देखिए वैशाली जले मुख प्रक्षालयति, है ना, तो वैशाली जल से मुख को धोती है, प्रक्षालयति यानी मुख को धोना, तो वैशाली मुख को धोती है, लेकिन किसके बिना, अगर जल नहीं होगा तो मुख कैसे धोएगी, तो जले में द्वितीय विभक्ति साधकतम करणम के साथ साथ, आई बात समझ में। अब देखिए जैसे हमने द्वितीय विभक्ति के हमने कुछ सूत्र के साथ और कुछ नियम थे, उसी तरह द्वितीय विभक्ति के भी कुछ सूत्र हमारे सामने उपस्थित है। देखिए सहयुक्ते अप्रधाने, एक सूत्र होता है जैसे कि ये आया है आपके सामने, सहयुक्ते अप्रधाने, तो सहयुक्ते अप्रधाने में कुछ शब्द है जिनको मैंने अलग अलग किया है, सह साकम समम साधम, इन चारों का अर्थ होता है साथ, है ना, साथ में। तो शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन से शब्द के, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से, सह साकम समम और साधम, इन सबका अर्थ होता है साथ में। तो शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यथा, अब मैं इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करके बताऊंगी, संस्कृत वाक्य बने हैं यथा, जैसे जनक पुत्रे सह गच्छति, है ना, तो जनक पुत्र के साथ जाता है ना, जनक किसके साथ जाता है, सह किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ जा रहा है, कौन जा रहा है, जनक जा रहा है, तो पुत्रे में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए सीता गीताया साकम पठति, सीता गीता के साथ पढ़ती है ना, सीता और गीता दोनों साथ पढ़ती है, लेकिन क्या बोला, सीता गीतया साकम पठति। अब ये आपका पुत्रे और ये गीता, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में गीतया कहते हैं, ठीक है। त्वं गुरुणा सम वेद पाठं करोषि, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करो, है ना, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करो, किसके साथ करो, गुरु के साथ करो, तो सह के योग में सम स साकम समम साधम, है ना, सह के योग में द्वितीय विभक्ति, साकम के योग में द्वितीय विभक्ति, सम के योग में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप भी जब कर्ता कारक ये पूछे जाए, कारक और कारण जो क्वेश्चन आता है आपके टेंथ बोर्ड
नाम विकार हो, है ना, ये नाम विकार हो, ये नाम विकार